मैं इस वक्त रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में खड़ी हूँ। इसे राजधानी का दिल कहा जाता है। आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बिंदास बोल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता मुखर्जी। जयपाल सिंह मुंडा की आत्मा रो रही होगी, जिसने खूबसूरत झारखंड की कल्पना की हो और उसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी हो, जिसने गुलाम भारत में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया हो। मैं उन्हीं जयपाल सिंह मुंडा की बात कर रही हूँ। आप झारखंड की राजधानी में रहते हैं, क्या आपको मालूम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनकी प्रतिमा लगी है? हॉकी स्टिक पड़े हुए दिखाया गया है। पिछले 6 महीने में कई बार हॉकी स्टिक की चोरी हो चुकी है, लेकिन अब उनकी मूर्ति पर नया हॉकी स्टिक लगा दिया गया है। मगर हुक्मरानों की काबिलियत देखिए। जिस हॉकी स्टिक को लगाया गया है वह इतना छोटा है कि जयपाल सिंह की प्रतिमा से मैच ही नहीं कर रहा, यानी किसी तरह खाना पूर्ति। इतनी दुर्दशा, ऐसा लगता है जयपाल सिंह मुंडा जी कह रहे हो, मैं अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल ले आया, कम से कम मेरा अपमान तो मत करो। गौरतलब है कि जयपाल सिंह मुंडा 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई का जिम्मा संभाला। भारत की टीम ने जयपाल सिंह की तानी में ओलंपिक में कुल 17 मैचें खेली, जिसमें 16 मैचों में जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबला भारत ने हॉलैंड को 3-0 से हराकर ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया। ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। बिंदास बोल न्यूज़, आज की खबर आज ही पढ़ें।